बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू कीमा की रेसिपी शेयर करती हूँ। हमने ये बीफ का कीमा ले लिया, प्याज लहसुन अदरक 3 टेबल स्पून हमने दही के ले लिए, आलू और ये टमाटर ग्रेट कर लिए। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हमने एक पैन ले लिया, अब इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। वन टी स्पून इसमें हम जीरा डाल लेंगे। अब इसमें हम प्याज डाल लेंगे। और प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। प्याज फ्राई हो गया, अब इसमें हम लहसुन अदरक ये हरी मिर्ची कुटी वो डाल लेंगे। इसको भी हमने फ्राई कर लेना है हल्का सा। इसको भी हमने फ्राई कर लिया, अब इसमें ये जो हमने टमाटर ग्रेट किए हैं वो डाल लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च डाल लेते हैं। वन टी स्पून इसमें हम हल्दी डाल लेते हैं। वन टी स्पून इसमें हम पिसा हुआ धनिया डालेंगे। वन टी स्पून इसमें हम नमक डालेंगे। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कीमा डाल लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसमें हम दही डाल लेंगे। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसको हम 3 से 4 मिनट अच्छे से मसाले के साथ इसको कीमे को भून लेंगे। इसको हमने अच्छे से भून लिया था, अब इसमें हम आलू डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब 2 मिनट हम इसको भून लेंगे आलू को अच्छे से कीमे के साथ।
इसको हमने भून लिया। अब इसमें हम एक ग्लास पानी डालेंगे, कीमे और आलू को अच्छे से पकने देंगे। अब इसको हम कवर करके इसको पकने देंगे। मज़ेदार से आलू कीमा रेडी हो गए। अब इसमें हम थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल लेंगे। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, मज़ेदार से आलू कीमा रेडी हो गया, बहुत ही मज़े का बना है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।